हेलो हेलो वीडियो देखने वालों, आपका भाई घूम रहा है चंडीगढ़ में और मेरी नज़र है यहाँ के बढ़िया मटन और चिकन पे। इसी खोज के लिए मैं पहुँचा हूँ सेक्टर 9 चंडीगढ़ में। कहाँ, चलिए मेरे साथ, लेट्स गो। तो मेरे पीछे आपको साइन बोर्ड दिख गया होगा, ये अपने मटन और चिकन के लिए काफ़ी पॉपुलर होते जा रहे हैं। 2-3 साल ही हुए हैं इन्हें खोले और टेक अवे काइंड ऑफ आउटलेट है। बाहर मार्केट में ही चेयर कुर्सियाँ वगैरह टेबल लगे हुए हैं जहां आप बैठ के आराम से खाना एंजॉय कर सकते हैं। और इस मार्केट में मैं बहुत साल पहले आया था, तब मैं मोबाइल से शूट किया करता था और तब और अब में काफ़ी फ़र्क आ गया है। 2-3 दुकानें वही पुरानी है लेकिन काफ़ी कुछ यहां बदल चुका है। तो इस आउटलेट के कर्ता धर्ता इंद्रपाल सिंह जी हमारे साथ हैं। इंद्रपाल सिंह जी, मटन ही क्यों? मटन सर इस करके क्योंकि साडा सर पुरानी काम है, काफी पुराना। अच्छा, हाँ जी हाँ जी, मेरे दादा जी करते जी कुछ साल पहले, आज तो बटाले जी करते हुए। अच्छा, बटाले हो तो? अच्छा। मेरे फादर ने नहीं कंटिन्यू किया, मैं कर लिया सर। तो मसाले वगैरह सारे उन्होंने ने, ये रेसिपी बिल्कुल सारी उन्होंने। ते इस आउटलेट नु कितना टाइम हो गया? 3 साल हो गए सर। 3 साल हो गए। ते तुम्हारे मेन्यू में की है? मटन है सर, मटन कड़ी है, तंदूर वाला मटन है सर, कीमे वाला मटन है, कलेजी है, ब्रेन है। नवरात्रे बंद, मंगलवार बंद और डिलीवरी का क्या सीन है? जोमेटो थ्रू है, जोमेटो स्विगी है। जी सर, जी सर, ठीक है, वो आज ही हुआ। और हमें क्या प्रेफर करोगे? देखो दिल्ली से आपके पास आए, आपको पता है हम तो मटन के कितने वीडियोस बनाते हैं। हाँ जी हाँ जी, क्या प्रेफर करोगे और आपको क्यों लगता है कि हमें वो खाना चाहिए? रोस्टेड मटन खाओ सर। अच्छा, कीमे वाला मटन खाओ, तरी वाला खाओ सर, चिकन कड़ी खाओ, कीमे वाला चिकन खाओ सर, टेस्ट डिफरेंट आएगा तुम्हें। साड़ी सर जिन्नी सर साड़ी रेसिपियां हैं वो हमारी सर लो ऑन स्पाइसेस है सारी। अच्छा, हां तुम इजीली डाइजेस्ट होंगी सारी। अच्छा, बिल्कुल। ते तुम्हारे कहने का मतलब इतने चलो यहाँ पर ये है मटन चाप, तंदूरी मटन चाप और ये रॉ है। आप देखिए इसकी खूबसूरती, देखिए अभी ये रोस्ट भी नहीं हुआ, कितने प्यारे लग रहे हैं। मैरिनेट करके यहाँ पर मटन चाप दी जाती है, तंदूर के अंदर तैयार किया जाता है और ये जा रहा है तंदूर में। तो हमें सपोर्ट करने वाले, हमारे वीडियोस देखने वाले विपिन जी हमें यहाँ मिल गए हैं। विपिन जी, आप कहाँ से आए हो पहले ये बताओ जी। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू भाजी, मैंने अपने चैनल, थैंक यू जी, हमें भी बड़ा अच्छा लगता है। हाँ जी, मतलब अपने प्यार करने वाले मिलते हैं। बिल्कुल जी भाजी, आप थर्ड तो आए हैं सेक्टर 3 से? थर्ड, दिस इज नेक्स्ट टू मोहाली। अच्छा, नेक्स्ट टू मोहाली। हाँ जी हाँ जी। कितना किलोमीटर पै जाना है? भाजी तकरीबन 25-30 किलोमीटर है थोड़ी। अच्छा, 25 किलोमीटर ਤੁਸੀਂ ਤੈ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਖਾਣ ਆਏ ਹੋ? ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਏ ਹੋ ਜਾਂ ਆਂਦੇ ਰਹੇ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਆਂਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਰੈਗੂਲਰ ਹੋ ਗਏ ਹੋ ਆਪਾਂ ਜੀ। ਮਟਨ ਲਈ ਤਾਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਆਈ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਲ। ਅੱਛਾ, ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ। ਤੇ ਆਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆਪਾਂ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ 2-3 ਵਾਰ ਚੱਕ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਮਟਨ ਤੁਸੀਂ ਖਾਣਾ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕਰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ? ਮਟਨ ਕਰੀ ਅੱਛਾ ਜੀ, ਮਟਨ ਕਰੀ ਅੱਛਾ, ਮਟਨ ਕਰੀ, ਮਟਨ ਸਾਗ ਵਾਲਾ ਅੱਛਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਅੱਛਾ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਮਟਨ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਜੋ ਬੰਦਾ 25 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੇ ਆ ਰਹਾ ਹੈ ਖਾਣੇ ਕੇ ਲਿਏ ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਇਤਨੀ ਗਰਮੀ ਮੇਂ। थैंक यू जी, थैंक यू। तो अपना रिव्यू शेयर करने। बिल्कुल जी, थैंक यू जी। सो फाइनली खाना हमारे टेबल पे सर्व हो चुका है और बहुत ही स्वादिष्ट लग रहा है, सुंदर देखने में, इतना अट्रैक्टिव लग रहा है, कैमरा के पता नहीं कैसे लगेगा। नहीं, सही बात है, ये बर्रा है जो आपको अपने तंदूर में लगता हुआ दिखाई और दिखाए। तंदूरी मटन और खाली दिए चांपे चांपे जो सबकी फेवरेट होती है, चांपे चांपे हैं और देखिए कितने बढ़िया तरीके से तंदूर में तैयार हुई है। ये है चिकन इनका, करी लेग पीस वाला। हाँ जी, ग्रेवी का टेक्सचर देखो, ये बहुत अच्छा टेक्सचर, देसी घी की खुशबू, कमाल की खुशबू। और इसके बराबर में ये मटन है कीमा, कीमा मीट, ये देखिए, ओ वाह, बहुत अच्छा टेक्सचर है ग्रेवी का, बिल्कुल स्मूथ। ये देखिए जी, आगे नली मछली का पीस, वाह 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 वाह, देखने में बहुत बढ़िया लग रहा है। खा के देखते हैं कि भाई जैसे हम चंडीगढ़ में इतने जमाने बाद, मैं तो मटन खाने वाला हूँ, मुझे तो याद भी नहीं आखिरी बार मटन कब खाया था। मैं अगर आता भी हूँ ना तो सुबह सुबह होके चल जाता हूँ, खाने के लिए कभी एक्सप्लोर ही नहीं किया था चंडीगढ़। चलिए, मटन दी चाम पा चुकी है, बंदे तरसते खाली चाम चाम खाने के लिए, फर्स्ट क्लास चाम चाम दे रहे हैं। लो जी, चेयर्स। ये देखिए,
कितनी बढ़िया लग रही है, ये देखिए। बहुत अच्छा साइज है छाप का, अच्छे से भरी हुई, माप से भरी हुई। चलो जी, वेल मैरिनेटेड जूसी मटन चाप है ना जी। मार्केट में दो टाइप की मिलती है चापे, एक होती है जो लहसुन प्याज का रोस्ट करके मटन भर्रा रेसिपी है, ये तंदूरी मीट है, ये तंदूरी मीट है और इसके ऊपर जो मैरिनेशन करके रखी हुई है ये तेज मसालों की तो बिल्कुल भी नहीं है, भी नहीं है। और जो कोटिंग हुई है ना दही की, मेरे को लग रहा है कोटिंग है, अदरक लहसुन की है, मसाले बिल्कुल लाइट से, और पूरा इसको जो ऊपर से इसको उन्होंने टॉस किए देसी घी के अंदर, पूरे आप देखो ना देसी घी इसके अंदर साथ में पूरा लगा हुआ है, देसी घी में बनी हुई तंदूर में चांपे, बहुत अच्छी फ्लेवरफुल और जूसी चांपे। हाँ आप बताओ जी क्या ट्राई करोगे, चिकन या मटन? मटन खाने के बाद चिकन स्वाद नहीं लगता, तो पहले तो चिकन करी खा के देखेंगे। इंडिया आप खाओ लेग पीस, कौन सा खाओगे आप? लेग पीस ले लेता हूं, असली इजी तो है ना हैंडल करना। ये लीजिए, और ग्रेवी इसकी उन्होंने स्पेशली बोला है कि हमें फीडबैक देना ग्रेवी, ये इसकी पतली तरी वाली होती है, जैसे तरी वाला चिकन या तरी वाला मीट होता है ना, बिल्कुल पतली तरी वाला, जो आप रोटी के साथ भी एंजॉय कर सकते हो, चावलों के साथ भी एंजॉय कर सकते हो। सही बात है। अदरक शदरक डाल के ना फ्लेवर ही कुछ और हो जाता है। दूसरी चीज इनकी चटनी खा के देखो, प्याज की चटनी, हल्की सी खटाक, पुदीना धनिया, मेन बेस प्याज है। चलो जी ये देखिए, मुलायम रूई जैसा चिकन, मलाई सॉफ्ट, बिल्कुल डिफरेंट ग्रेवी का टेस्ट है, मतलब आप दिल्ली में जो कनॉट प्लेस में पापे की खाते हो, काके की खाते हो, ये बिल्कुल डिफरेंट फ्लेवर है, ऐसा फ्लेवर नहीं खाया ये देखने में वैसी जरूर लग रही थी। हाँ ग्रेवी का टेक्सचर भी वैसा था, कलर भी वैसा था, तो टेस्ट बिल्कुल डिफरेंट है। अच्छा और मसालों के बारे में क्या कहोगे कि कैसे मसाले? लाइट मसाले, सही बात है, गरम मसाला बिल्कुल लाइट सा डाला फ्लेवर के लिए, ये ओवर पावर वाले मसाले वाला नहीं है, कमाल का फ्लेवर, देसी घी की खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। तो लीजिए ये देखिए, आहा ग्रेवी देखिए, मटन की ग्रेवी, कीमा डाल के दरदरा कीमा, ये लीजिए आप क्या फेवरेट पीस, मछली नली वाला, और अदरक के पतले पतले लच्छे काट के डाले हुए हैं, बहुत कमाल का टेक्सचर है ग्रेवी का, अच्छे से पका पका के भून भून के बनाई हुई है। खाली ग्रेवी टेस्ट करें पहले? करो जी करो। दोनों ग्रेवी का कलर जाए एक जैसा है, हाँ, फ्लेवर दोनों का ही डिफरेंट है। ये मैंने चीज स्पेशली बोली थी, मैंने कहा ऐसा ना हो कि चिकन मटन का टेस्ट सेम आए। चिकन की ग्रेवी में चिकन बना हुआ है, मटन की ग्रेवी में मटन बना हुआ है, दोनों का फ्लेवर बिल्कुल अलग है। और मुझे ये भी लगता है जो इनका ये मटन है स्पेशली, इसका टेस्ट थोड़ा यूनिक है। हाँ। मुझे नहीं ध्यान कि ऐसा फ्लेवर हम कहीं और खाया नहीं खाया। ये मतलब आप किसी चीज से, मतलब जैसे हम कभी सोचते हैं मीट में हम जाते हैं सबसे पहले अम्बाला पूरन सिंह का या फिर कनॉट प्लेस दिल्ली वाला, ये टेस्ट बिल्कुल डिफरेंट है, किसी के साथ आप कंपेयर कर ही नहीं सकते हो, बहुत डिफरेंट अलग है। और मटन की क्वालिटी वाकई, ये जो कह रहे थे ना कि बहुत अच्छी क्वालिटी का मटन यूज करते हैं, बिल्कुल मक्खन मलाई मीठा, आपने रोस्टेड में देख लिया, ग्रेवी में तो चलो पकाना आसान काम है, रोस्टेड में पकाना इतना सॉफ्ट बहुत मुश्किल काम है, बहुत अच्छी क्वालिटी का मीट है। अच्छा इसकी ग्रेवी की बात करूं, मुझे मटन ज़्यादा पसंद आया, रीज़न क्या है, जो ये कीमे वाली ग्रेवी बनाई है ना, जैसी मुझे थोड़ी सी स्पाइसी चटकारेदार जैसी पसंद है ना, ये वैसी है, जबकि चिकन करी थोड़ी हल्की है, हल्की, उसके अंदर जो कम लो मसाले या कम मिर्ची खाते हैं उनके लिए चिकन करी बढ़िया है, लेकिन जो
तेज मसाले स्पाइसी फूड पसंद करते हैं, मटन बहुत अच्छा, मटन बहुत अच्छा और देसी घी, क्योंकि मटन अपना फ्लेवर बहुत हद तक छोड़ता है, चिकन इतना फ्लेवर नहीं छोड़ता, वो प्याज की मिठास लग रही है इसके अंदर, जो तीखापन है ना मटन का वो बहुत अच्छा फील हो रहा है, और वाकई बहुत अच्छी ग्रेवी है, अच्छे से पका पका के राड़ राड़ के बनाई हुई है। तो एकदम बढ़िया नजारेदार यहाँ पर मिल रहा है देसी घी वाला मटन। अगर आप चंडीगढ़ या मोहाली रहते हैं या चंडीगढ़ मोहाली आना जाना होता है, लंच में आपको बढ़िया शानदार देसी मटन खाना है, लाजवाब टेस्ट, बढ़िया क्वालिटी वाला, अब आपको पता है कहाँ आना है। अगर आप ये वीडियो देख के यहाँ खाने आते हैं तो वापस आके मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना आपका एक्सपीरियंस कैसा गया। मेरी तरफ से इस जगह को है सुपर थम्स अप।